हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 13 अध्याय 13 अवर एनवायरनमेंट या हमारा पर्यावरण, और आज हम इसमें पढ़ करने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड को, यानी कि आपने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी बच्चों हमने। सबसे पहली चीज़ देखी, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द प्रोड्यूसर मेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी निर्माता सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को शेष पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर क्या देखा बच्चों, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन, यानी जैसे जैसे हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाते हैं ऊर्जा की हानि होती है, इससे खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या क्या होती है, सीमित हो जाती है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी मानवीय गतिविधियाँ का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक CFC हैज इनडेंजर द ओजोन लेयर, सिंस द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट, यानी CFC जैसे रसायनों के उपयोग ने ओजोन परत को खतरे में डाल दिया, चूंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है, इसलिए इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द वेस्ट वी जनरेट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह बायोडिग्रेडेबल या गैर बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, यानी जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण हो सकता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वी जनरेट कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे का निपटान गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को का कारण बन रहा है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर ये वाला पार्ट इस वीडियो का होता है कम्प्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।